मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, जिधर तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आसमान में आपको धूल ही धूल नजर आएगी। यूं कहना गलत ना होगा कि धूल ने अपने आगोश में पूरे शहर को ले लिया है। इस धूल से हमारे शरीर पर विपरीत परिणाम हो सकता है और सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ेगा जिन्हें धूल से एलर्जी है या कोई अस्थमा का मरीज है। उन्हें खास प्रिकॉशन लेना होगा, नहीं तो ये धूल का हमला आपको कर सकता है बीमार। इसी विषय को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने डीवाई पाटिल हॉस्पिटल के डॉक्टर श्याम मोरे से बात की तो उन्होंने कुछ खास हिदायत दी है जिसे अमल में लाने से हम धूल के हमले से बच सकते हैं। हमारे साथ फोन लाइन से डॉक्टर श्याम मोरे हैं, जिनका क्या कहना है आप भी सुनिए। वजह तो ये बताया जा रहा है कि जो वेदर चेंजेस हो रहे हैं गुजरात में, उसकी वजह से ये सब धूल यहाँ पे अपने मुंबई और सब उसमें आ चुकी है और उसी की वजह से ये सब धूल निकाली जा रही है। मनोज जी, आप डॉक्टर हैं, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहली बात हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से धूल के जो कुहासे छाए हुए पूरे शहर के ऊपर, इससे लोगों के मतलब शरीर पे कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है इस पर? शरीर पे तो डेफिनेटली बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि जब धूल बढ़ती है तो उसके साथ कुछ लोगों को उस धूल की एलर्जी होती है, तो वो एलर्जी का प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। फिर धूल का सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो जो पेशेंट आस्थमा के मरीज है या जिसको हम दमा की बीमारी कहते हैं, उन लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है और उनको जो सांस लेने की तकलीफ थी वो काफी बढ़ती जा रही है। और उसी के साथ लोगों के काफी ऐसे भी कंप्लेंट्स है कि जो ड्राइव कर रहे हैं, जो रास्ते पे घूम रहे हैं, तो धूल उनके आंखों में जाके आंखों के ऊपर भी काफी बुरा असर दिखाई दे रहा है। तो सर, किस तरह के प्रिकॉशन लेना चाहिए आदमी को? एक तो मतलब जो ड्राइव वगैरह कर रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो एक सनग्लासेस जो होते हैं वो यूज करना शुरू करें, या बाहर भी कोई घूम रहा है तो वो यूज करना चाहिए, और फुल स्लीव्स के कपड़े जो है वो पहन के ही वो घूमना चाहिए। जो भी बाहर रास्ते पे घूम रहा है या ड्राइव कर रहे हैं उस वक्त ऐसे यूज करना चाहिए। और जो आस्थमा के पेशेंट है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मास्क पहन के ही रास्ते पे घूमे, या बाहर जो भी ट्रैवलिंग करना है या जहाँ पे भी आपको काम के लिए जाना है तो मास्क पहन के प्लीज बाहर निकलेगा। आपने सुना कि स्वास्थ्य से जुड़े मसले पर डॉक्टर श्याम मोरे ने क्या कहा। हम तो यही कहना चाहेंगे, हेल्थ इज वेल्थ। अपने शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए जितना हो सके सावधानी बरतें और रहे चुस्त दुरुस्त। कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।